देश में कुछ ही दिनों बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सियासी सरगर्मी बिहार से लेकर बंगाल तक और दिल्ली तक बढ़ चुकी है। ये जो मार्ग है ये वाराणसी मुख्य शहर जाने की तरफ है, और हम आपको बता दें कि चाहे प्रियंका गांधी का रोड शो हो या प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हो, वो यहाँ से ही गुजरा है। चंद किलोमीटर की दूरी पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, और निश्चित तौर पर यहाँ की जो पहलवान लस्सी है उसका स्वाद जो है देश के नामचीन हस्तियों द्वारा चखा गया है। तो इनसे जानना जरूरी है कि ये क्या सोचते हैं। इसके अलावा इस समय चुनावी माहौल वाराणसी में क्या चल रहा है, कचौड़ी जलेबी हो या बनारस की लस्सी हो या बनारस का मलई हो, यहाँ का काफी पसंद किया जाता है। पहलवान जी, मिजाज क्या चल रहा है बनारस का इस समय चुनावी का मतलब ये थोड़ी होता है कि किसी को भी, किसी को भी नहीं, जो देश के लिए जीता हो, जो देश की जनता के लिए जी रहा हो उसको। क्या बात है, देश की जनता के लिए जीता हो, देश के लिए जनता के लिए करने की क्षमता रखता हो, वही तो बात है। जो देश के लिए जिया, जो देश की जनता के लिए जी रहा हो, जिसने जनता की रक्षा की हो, उनके पूरे परिवार की सर्वोपरि, समझ लीजिए कि जो दिमाग में है सीधे वही है, जो धर्म है सीधे वही है, जो आसन है, जो शासन है सीधे वही है, नरेंद्र मोदी। आपने तो इशारों में बहुत कुछ कह दिया। यहाँ से ही प्रधानमंत्री मोदी का काफिला, प्रियंका गांधी जी का भी यहाँ से ही रोड शो गुजरा है। क्या लग रहा है विपक्ष में वो दम है, वो दमखम दिख रही है, वो तैयारियां दिख रही है कि 2024 में चुनौतियां देंगे? कोई करंट नहीं है, न वो कोई चमक है, सीधे एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सीधे भारतीय जनता पार्टी के समक्ष कहते हैं, मैडम आप कहाँ से आई हैं? हम आए बेंगलोर से आए हैं। काशी कैसा लगा सबसे पहले? काशी बहुत बढ़िया है, और मगर गंदगी, काशी सफाई नहीं है यहाँ पर, मंदिर सफाई के लिए सफाई बिल्कुल नहीं है, इतनी गंदगी है यहाँ पर। और मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो हम तो ये एक्सपेक्ट करके आए थे कि पूरा चकाचक हो गया होगा, मगर बहुत डिसअपॉइंट हुए यहाँ के। नहीं, कहाँ कहाँ आप गए यहाँ पर? कहाँ, हम काशी विश्वनाथ गए, फिर वो गंगा घाट गए, फिर ये सिटी में हम वो मोदी बाजार गए, और यहाँ सब जगह रिक्शा में ही घूम सकते हैं, गाड़ी में तो घूम नहीं सकते हैं। लेकिन छोटे से शहर में लाखों के श्रद्धालु और पर्यटक लाखों की संख्या में आ रहे हैं, ऐसे में शहर की जिम्मेदारी अधिक भी है। पहलवान जी ये कह रहे हैं कि साफ सफाई रखना जरूरी है, तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन ये भी समझना होगा कि शहर में जनसंख्या काफ़ी अधिक है, अगर क्षेत्रफल की बात कर ले तो। भाई साहब, पेरिस में, वियना, ये इसका इटली का वो जो है वेनिस, यहाँ से 10 गुना पर्यटक आते हैं, पर इतनी साफ सफाई होती है, लोगों की भी जिम्मेदारी होती है, लोग खा करके ऐसे ही फेंक देते। आज सवेरे हमने एक को डांटा, उसने पानी पिया बॉटल वहीं फेंक दी, उसको डांटा भी इन्होंने कि यहाँ कैसे फेंक दिया तुमने। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और देखिए डस्टबिन भी लगा है, और इसी दुकान के हम पहले आपको तस्वीर दिखा दें। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि काशी के अलग अलग जगहों पर साफ सफाइयाँ भी हैं, और साफ सफाई और करने की भी आवश्यकता है, गंदगी है इसमें नज़रअंदाज नहीं। पहलवान जी, इनकी बात से आप कितना सहमत हैं? देखिए ऐसा नहीं है, एक्चुअली क्या है, शहर बनारस जो है वो गलियों का शहर है, ठीक है, आदतन उनको जहाँ नहीं दिखाई देता है वो क्या करें, कहीं रख देते हैं, खाली डब्बा कोई बोझ लेकर तो चलता ना चाहेगा नहीं, बशर्ते कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको डस्टबिन में डालना चाहिए। चुनावी मोड पर हम बात कर लेंगे, आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार? मैं पॉलिटिक्स पे नहीं बात करता, फिर भी सरकार का कामकाज ठीक रहा 5 सालों में 10 सालों में? मैं बोला ना, मैं पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन नहीं करता मैं। चलिए, तो और लोगों से हम यहाँ पर जुड़ने का प्रयास करेंगे, मलयो खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। क्या नाम है सर, कहाँ से हैं? मानव मजुमदार नाम है, बंगाल से हूँ। बंगाल से हैं। ममता जी ने स्पष्ट कर दिया कि अकेले लड़ेंगी, इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएंगी। क्या लगता है 2024 में देश का मिजाज क्या है? देखो 2024 में पोल डिसाइड हो चुका है, मोदी आ रहे हैं, ठीक है, अब वो 250 से आएगा या 350 से आएगा, आंकड़ा उसका है, मोदी तो आ ही रहा है, क्योंकि देखो और कोई देश के लिए लड़ नहीं रहा है। इफ यू सीधा इंडिया अलायंस, ओके, ममता अपने सीट के लिए लड़ रहा है, नीतीश ने कल पलट लिया, ठीक है, एवरीबॉडी इज बेसिकली डूइंग फॉर देयर ओन फेवर, नॉट फॉर इंडिया, ओके, सो दैट्स व्हाई मोदी विल डेफिनेटली कम। और राम मंदिर तो हो ही गया है, राम मंदिर का फैक्टर रहेगा। हाँ देखिए, एक बात तो आपको समझना चाहिए, सेकुलरिज्म एंड सेक्युलरिज्म में डिफरेंस होता है। एपीजमेंट पॉलिटिक्स जो 70 साल से चला हुआ है वो उसका तो
फर्क दिख रहा है ना, आज आप देखिए उनके लिए तो एक मस्जिद था, हम लोगों के लिए वो आस्था का विषय था। अगर आप कम्युनल हारमोनी चाहते हो, बोलते हो गंगा जमुना तहजीब सब सेम है, तो आपस दो कम्युनिटी में बैठ जाओ कि भाई कहाँ पे ज्ञानव्यापी हो या मथुरा हो, एक जगह बैठ जाओ। तीन ही का तो मसाला है, तो इतना तो है, आपस में बांट लो, डिसाइड कर लो, खत्म कर लो बात। बिल्कुल, तो आने वाले समय में देखना होगा कि बनारस सहित देश की जनता का मिजाज क्या होता है, लेकिन निश्चित तौर पर सियासी सरगर्मी देश में बढ़ चुकी है। वाराणसी से एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।